तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा CR-V। आज होंडा ने अपनी एक नई शानदार 7-सीटर प्रीमियम SUV हमारे सामने पेश करी। कहने का इंडिया में जो आपको एलिवेट मिल रही है ये गाड़ी उससे आगे की बात है। और जो इंडिया में आप सुन रहे हैं ना कहीं किया कि स्पोर्टाज आपको देखने को मिलेगी, ये गाड़ी उसी का कॉम्पिटिशन है। डिज़ाइन में देखेंगे क्या मिल रहा है। और सबसे खास बात भाई, 7-सीटर SUV है तो जो इंडिया में आपको एक तरीके से MG हेक्टर प्लस मिलती है, कहीं ना कहीं सफारी उससे एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है। तो वो आप समझिए कि एक्चुअली होंडा एक 7-सीटर SUV में देता गया है। उसके साथ ही भाई यूटिलिटी के फंक्शन, 522 लीटर का बड़ा सा आपको बूट स्पेस मिलेगा, पावर टेलगेट है, मतलब ना जो होंडा एक टिपिकल ग्लोबल प्रोडक्ट बनाता है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट ला के दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो इससे पहले मैंने आपको इसका 5-सीटर वर्जन दिखाया था, ये गाड़ी उससे आगे की बातचीत है। तो उससे ज़्यादा यूटिलिटी, उससे ज़्यादा स्पेस और फैमिली के हिसाब से जो ये गाड़ी होनी चाहिए वो सारा कुछ है इसके साथ। बाकी देख रहे हो जो कलर ऑप्शन भी है, ये भी एक स्पेशल कलर ऑप्शन है जो होंडा स्पेशली इसी गाड़ी के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। हम इंडियंस को भी चाहिए भाई, यहाँ पर कमेंट करके बताइए, ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है ब्लैक क्रिस्टल पॉल कलर ऑप्शन, कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वोल्वो BMW एक इंस्पिरेशन लेते हुए होंडा की तरफ से भी CR-V में वैसे ही कुछ दिखने वाले टेल लैम्प देखने को मिलेंगे। बाकी उससे अच्छी बात है कि भाई इसमें टर्बो का ऑप्शन भी आता है, साथ ही साथ हाइब्रिड का ऑप्शन भी आता है। टर्बो के साथ जाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अगर हाइब्रिड के साथ जाएंगे तो 20 km/h के आसपास का माइलेज इतनी ज़्यादा बड़ी गाड़ी आपको देने वाली है। बाकी आज हम स्पेशली बात करते हैं होंडा CR-V टर्बो के बारे में, क्योंकि इंडिया में ना हर किसी को अब टर्बो चाहिए, तो वो चीज़ है। बाकी कस्टमर देख रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि कहीं ना कहीं नया डिज़ाइन है और होंडा को ना हर कोई पसंद करता है। इंडिया में भी आप देखिए एलिवेट के आने से ही होंडा के शोरूम में एक अलग सी चहलकदमी हुई है, वो होती है क्योंकि भाई नया प्रोडक्ट है और होंडा को एक तरीके से ना लेगेसी के तौर पे देखा जाता है कि होंडा जो भी ऑफर करेगा बढ़िया ही करेगा। साथ ही देखिए गाड़ी में पीछे आपको VTEC की बढ़िया सी ब्रांडिंग मिलेगी जो कि टर्बो के साथ है। साथ ही साथ ये है गाड़ी के रियर की प्रोफाइल। अब यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। गाड़ी का जो साइज़ है यहाँ पर आपको 4.7 मीटर के आसपास आ गया है। अब आपको एक बात से और सरप्राइज होगा ना, इसकी लंबाई है 4691 mm। इंडिया में जो आपको XUV 700 मिल रही है उसकी लंबाई है 4695 mm, यानी कि इसकी लंबाई XUV 700 के मुकाबले 4 mm छोटी है। उसके अलावा चौड़ाई भी कम है इसकी, लेकिन भाई इसका जो सेगमेंट है सफारी, हेक्टर प्लस और XUV 700, उनसे ऊपर है। कहीं ना कहीं जो हुंडई के 200 हैं कि अगर स्पोर्टाज है उसी के आजू बाजू है, तो भाई फीचर फंक्शन और जो परफॉर्मेंस है उसको एक तरीके से सब कुछ देख के आप कंपेयर कीजिएगा। ये नहीं कि भाई इससे बेटर अपनी XUV 700 है। बाकी उसके अलावा 19 इंचेस के बड़े बड़े आपको यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। गाड़ी के साइड लुक में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो कलर प्रोफाइल है बहुत ही क्लीन लगने वाली है। कहीं ना कहीं जो इंडिया में आपको ब्लैक एडिशन कार, डार्क एडिशन कार मिलती है ना, उससे ज़्यादा एक यूनिक लुक मिलने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा, ये देख रहे आप इसकी एक पैनोरामिक सनरूफ जो कि उतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी फंक्शन के साथ दी गई है। कुछ यहाँ पर आप देखिए होंडा सेंसिंग को सपोर्ट करता हुआ इसका ADAS सिस्टम। अब आप आने वाले हैं CR-V के सबसे बढ़िया लुक में, जो कि है इस गाड़ी के फ्रंट का लुक। ये देखिए इस गाड़ी का फ्रंट का लुक, तो यहीं पर स्पेशल चीज़ बनती है आपकी होंडा CR-V के साथ की एक नए जमाने का बोल्ड लुक है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी अपील है और वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। होंडा ने देखिए अपने लोगों को भी यहाँ पर अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन इन द सेंस वही है लेकिन फिर भी पियानो फिनिश और थोड़ा सा यहाँ पर एक्रेलिक के साथ उसको एम्बोस किया है, अच्छा सा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आप इसके ऑल LED हेडलैम्प्स को देखेंगे, DRL इस प्रकार आप देखने वाले। नीचे आप देखेंगे फॉग लैम्प का ऑप्शन है और गाड़ी का फ्रंट का लुक इस प्रकार मिलेगा। बाकी ये ना होंडा की प्रॉपर 7-सीटर लेआउट वाली गाड़ी है, जिसमें अगर आप थर्ड रो को फोल्ड करेंगे करीब 522 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm, तो वो इसको यूटिलिटी के फ्रंट में ले जाता है। अगर अमेरिकन मार्केट में जाए और उसके अलावा जापानीज मार्केट में देखें तो ये गाड़ी की बहुत ही मजबूत यहाँ पर पकड़ है। उसके अलावा लोगों को देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसका कंपटीशन में अगर आप टोयोटा की तरफ से देखें तो RAV4 है, लेकिन वो फिर इंडिया में बहुत ही दूर है। ये गाड़ी के चांसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हुंडई ऑलरेडी इस सेगमेंट में है इंडिया में और कॉम्पिटिशन है, तो होंडा के लिए थोड़ा ईजी होगा कि इस गाड़ी को भी इंडिया में लाया जाए। बाकी गाड़ी का फ्रंट का लुक आप इस प्रकार देखने वाले हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर फ्रंट से देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन भरा हुआ लुक है इसका। एक टिपिकल होंडा का जो डिज़ाइन आप इंडिया में सोचते हैं उससे कुछ अलग है और सही सा लग रहा है। बाकी काफ़ी बोल्ड अपील है, काफ़ी ओपन आपको यहाँ पर ग्रिल मिलेगी। थोड़ा सा नीचे देखेंगे बिल्कुल ना ओपन सा यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा गया है और एक टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन दे रहा है। 187 हॉर्स पावर, 240 Nm का टॉर्क, तो वही इसकी सारी कहानी है। उसके अलावा व्हील कूलिंग के लिए आपको यहाँ पर एक डक्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि भैया प्रॉपरली व्हील को कूल करता है। व्हील का अगर आप साइज़ देखेंगे 235/55 रेडियल 19 मिशेलिन के आप यहाँ पर टायर देखने को मिलेंगे, तो 235 सेक्शन का टायर अपने में एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ और फंक्शन देखें
होंडा सेंसिंग का यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम सारा, और यहाँ पर इसकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। गाड़ी की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई 4691 mm है, जो कि एक्सयूवी 700 से 4 मिलीमीटर छोटी है। तो ऐसा बस समझिएगा कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं अगर इंडिया में आती है तो 30 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। वहीं अपनी एक्सयूवी 700 बेस मॉडल आपको टर्बो पेट्रोल 14 लाख रुपए एक शोरूम में दे रहा है, तो एक तरीके से दुगनी रेट की गाड़ी है ये एक्सयूवी 700 के मुकाबले। लेकिन फिर भी होंडा का प्रोडक्ट है और एक प्रॉपर जैसे कहेंगे ना एक एसयूवी डीएनए जिस गाड़ी में हो सकता है वो है इसके साथ। बाकी उसके अलावा इस गाड़ी में 4x4 का ऑप्शन भी रहता है, फोर व्हील ड्राइव रहता है, कहीं ना कहीं वो ऑल व्हील ड्राइव की जो कैपेबिलिटीज़ है होंडा अपनी सीआरवी के साथ ला के रहती है। टर्बोचार्ज इंजन है, कहीं ना कहीं हाइब्रिड वाले ऑप्शन लेंगे फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिलेगी, लेकिन भैया टर्बोचार्ज के साथ परफॉर्मेंस मिल रही है उससे बेहतर और क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए डोर हैंडल में कोई भी रिक्वेस्ट बटन नहीं रखा गया, सिंपली यहाँ पर आपको सेंसर बेस्ड सिस्टम है, तो इन केस अगर भैया सिंपली आप हाथ को भी डालेंगे तो ये आपके लिए ओपन कर देता है। और डोर का वेट बहुत शानदार, कहीं ना कहीं सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको पावर सीटिंग ये सारे ऑप्शन देने वाला है, कुछ मेमोरी सीटिंग ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको वुडन इंसर्ट देखने को मिलेंगे, कुछ पियानो फिनिश के यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर आपको भैया सॉफ्ट टच है, ये सारा सॉफ्ट टच है, यही सिर्फ हार्ड टच है, और क्वालिटी इस तरीके से मिलेगी। स्पीकर का ब्रांड यहाँ पर मेंशन नहीं है, सीआरवी मेंशन कर दिया गया है। और ये आप देखेंगे होंडा के बिल्कुल नए जमाने का डैशबोर्ड, जो कि कहीं ना कहीं इससे पहले आपने सिविक के अंदर देख लिया है और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। डी का डिस्टरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो डिज़ाइन फ्रंट है आप नोटिस करिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। कुछ फुल डिजिटल यहाँ पर आपको क्लस्टर मिलेगा, एक यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें CVT का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर होंडा अगर DCT और मैनुअल के साथ इस गाड़ी को लाए तो और मज़ा आ जाए, लेकिन CVT का भी ऑप्शन लोग पसंद करते हैं। बाकी ये कुछ आप देख रहे हैं इसकी पैनोरामिक सनरूफ, जिसका साइज़ भाई उतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है जो इंडिया में एक्सयूवी 700 देती है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। और ये है गाड़ी का पूरा अपर्चर, किस प्रकार की डिज़ाइन फ्रंट है गाड़ी का, मेन बात है ना गाड़ी यहाँ पर 7-सीटर लेआउट देती है, तो वो चीज़ देखे बिना आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी को। ये देखिए इसकी सेकंड रो की पूरी कहानी इस प्रकार है, जहाँ पर ये जो सीटें हैं फोल्ड करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, देखिए वाइड एंगल में देखिए यहाँ पर एक लैश दिया गया, सिंपली ये सीटें आगे पीछे फोल्ड होती वैसी वो भी होती है, रिक्लाइन की जा सकती है, आगे कर लो फोल्ड कर लो। इन सीटों को देखिए पीछे वाली सीट है, अब देखिए यहाँ पर बूट बिल्कुल खाली हो गया, तो अभी करीब 522 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको आप सिंपली चाहे तो ये सीटों को यूज़ कर लीजिए या फिर इसको फोल्ड करिए, कैसे भी ऑप्शन में रखिए, और ऐसे ऐसे सारे ऑप्शन देखिए ये है। अभी देखिए सीटें इस्तेमाल करेंगे तो करीब 250 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपके सामने आने वाला है। और इस तरीके का यहाँ पर आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिंपली यहाँ से बंद करिए, वॉक अवे फंक्शन भी है कि बटन नहीं दबाना है, सिंपली अगर आप दूर जाएंगे तो सेंसर बेस है सारा सिस्टम, जैसे ही की को ये नहीं डिटेक्ट करेगा ये ऑटोमेटिकली टेलगेट आपके लिए बंद कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर सारा ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा सा सामान रखने का स्पेस है, इस तरीके की ये चीज़ें हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके का नीचे सारा सिस्टम रखा गया है। अब गाड़ी में देखिए पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन है, कहीं ना कहीं थोड़ा स्पोर्टी साउंड करने के लिए दो दो आपको यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए, जो कि भाई प्रॉपर तरीके से होंडा ने यहाँ पर डिज़ाइन करे हुए। देखिए दो दो आपको बैरल मिलेंगे, नीचे सारा सस्पेंशन सिस्टम है, और ये गाड़ी केवल फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन थोड़े अलग मिलेंगे वो अलग दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक LED का ऑप्शन है, कुछ ये देख रहे हैं आप इसका डोर ओपनर और क्लोज़र, तो ये देखा भाई बहुत ही शानदार ऑफरिंग, और पसंद करने वाली जो चीज़ हो सकती है ना गाड़ी के अंदर वो है। और CRV जो ब्रांड है ना अपने में कहीं ना कहीं ग्लोबली भी अभी फ़िलहाल ये 35 लाख से लेके 40 लाख के रेट में, और जो ये वैल्यू अपने साथ देता है ना बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है। साथ ही साथ पीछे के टेल लैम्प्स वोल्वो BMW आर्टिगा इन द सेंस कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हुए, और यहाँ पर आप प्रॉपर एक स्पॉइलर का डिपार्टमेंट, एक शाफ्ट एंटीना, साथ ही साथ ये रहा सनरूफ, और ये कुछ देख रहे हैं इसकी जो करेक्टर लाइंस, ये चीज़ अभी भी वही है जो इंडिया में CRV रहती थी। और कहीं ना कहीं अपने पास तो इससे पुरानी जनरेशन थी जो कि 5th जनरेशन थी, अब ये गाड़ी एक तरीके से जा चुकी है 6th जनरेशन की ओर, तो एक अलग लेवल का फ्रंट है, नए नए डिज़ाइन चेंजेस हैं, तो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए हम बढ़ चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, जो कि भैया इस तरीके के एनिमेशन के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला है, काफ़ी कूल एनिमेशन है, काफ़ी प्रीमियम लगेगा। उसके अलावा कैबिन मैंने आपको समझाया कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रखा गया, अब सीधे बैठ के देखते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक डेड पेडल मिलेगा, ब्रेक एक्सीलेटर ये सारे ऑप्शन हैं, पावर टेलगेट का यही सब ऑप्शन भी दिया गया, कुछ और प्यारो एलिमेंट्स हैं। बाकी भैया बैठ के देखें, और सारे का सारा वॉल्यूम कंट्रोल इस प्रकार है, यहाँ से कुछ यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आप देखिए करीब 8 इंच के आसपास की स्क्रीन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। साथ ही साथ IRVM में आपको डे नाइट फंक्शन के साथ है, तो ये एक थोड़ा मिस आउट है कि आपको ये सब मैनुअली ही करना होगा। सनरूफ ये आपको देती है, यहाँ से देखिए इतना कुछ अपर्चर जो कि ऐसा गुजरने वाला है। सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके ओके है।
उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये सॉफ्ट टच है, सेमी सॉफ्ट टच टोटल। यहाँ पर साइड में एयरबैग मेंशन नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पर साइड कर्टेन एयरबैग है, लेकिन वैसे एयरबैग नहीं। तो टोटल यहाँ पर 4 एयरबैग वाला मॉडल आज हमारे साथ है। बाकी स्टेयरिंग में नोटिस करेंगे वॉल्यूम के सारे कंट्रोल, इस साइड देखेंगे सारे ADAS के कंट्रोल मिलेंगे, सारे लाइट्स के कंट्रोल, वॉशर, वाइपर, पैडल शिफ्टर यहाँ पर ऑफर किया गया। ये देखेंगे आप इनका 7 स्पीड का एक तरीके से CVT ट्रांसमिशन, इसमें इकोनॉमी मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे ऑप्शन है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड, कुछ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे सारे AC के सारे कंट्रोल जो कि इस प्रकार मिलेंगे। इसके कुछ ऑप्शन को समझना चाहे तो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा एक अलग तरीके का लेआउट है जो इंडिया में फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल पाया है। क्या कुछ फंक्शन देता है तो ऐसे कुछ फंक्शन है, सिंपली होम के लिए एक बटन दिया गया है, ऑल एप्लीकेशंस में जाएंगे तो वही सारे एप्लीकेशंस खुल जाती है। और ये है मतलब सिंपल सिंपल सारी चीज़ें हैं इसमें, व्हीकल सेटिंग, ये भी ड्राइवर असिस्ट सही से चीज़ है, मतलब वही है कि थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शनों को ये अपने साथ ला सकता है और ऑन द गो यहाँ पर अपडेट को भी सपोर्ट कर रहा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एक सॉफ्ट रिलीज के साथ ये ऑप्शन दिया गया है, कुछ और वुडन फिनिश यहाँ पर सिंथेटिक वुड के साथ रखी गई है। कहीं ना कहीं ये जो AC वेंट है ना, ये बहुत ही ट्रेंडी लगता है और थोड़े से फ्लिमजी है, लेकिन फिर भी ठीक से लगेंगे आपको। और कहीं ना कहीं इसका मेन रोल ये है कि यहाँ पर जो AC का ब्लास्ट आए, यानी कि जो हवा वहाँ से निकले, वो एक बारीक तरीके से ना आए, एक यूनिफॉर्मली वहाँ पर डिस्पर्स होकर आपके कैबिन को इवनली कूल करे, जिससे ठंडक बड़ी आराम से फील होती है, तो वो इसका मेन मकसद है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे पूरा वुडन इंसर्ट का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी का पूरा कैबिन इस प्रकार है। फ्रंट का जो पूरा डैशबोर्ड है यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा आर्मरेस्ट आपको दिखेगा, जो कि इसकी मेन कहानी यह है कि भाई ये स्लाइडेबल फंक्शन के साथ तो नहीं है, लेकिन फील काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप प्रॉपर एक हेडरूम अपना फील करेंगे, जो कि थोड़ा सा सनरूफ की ही अपने एरिया में अपने कवरिंग लेते हुए है, और कहीं ना कहीं शोल्डर रूम और ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक प्रीमियम गाड़ी की तरह आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी का डिज़ाइन फ्रंट और ये सारी चीज़ें ना प्रॉपर फ्रंट में लगने वाली है। सीटें भी देखेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी सीटें मिलने वाली है, जिसमें लेग रूम और ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रखी गई है। अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टेयरिंग फ्रंट है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ फंक्शन देने वाला है। अब आपको दिखाते हैं इसका 187 हॉर्स पावर का इंजन, और कहीं ना कहीं जो CRV ब्रांड अपने में है ना इंडिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, आएगी तो 30 लाख को क्रॉस कर देगी ये, और जो प्रीमियम फिनिश है ना होंडा को यही देनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी को CKD यूनिट की तरह लाया जा सकता है, बाकी इंडिया में थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर पाना अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है। बाकी CBU लाया जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाली है। उसके अलावा देखिए इसके अगर आप चलते हैं इसके इंजन बे की ओर, तो यहाँ पर इस गाड़ी का स्पेशल बात यह है कि इसमें मिल जाता है आपको हाइड्रोलिक स्टड, तो कहीं से भी आपको ना ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। अब होने को भाई होंडा कार है तो आपको ज़्यादा इंजन बे पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब भी आएंगे ये बहुत ईजी बनाया गया है। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे सारे इंसुलेटर ऑप्शन दिए गए। बाकी ये आप देख रहे हैं होंडा का ऑथेंटिक VTEC टर्बो इंजन। हम इंडिया में IVTEC को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि फ्यूल इकोनॉमी के लिए बनाया गया है, कहीं से भी पावर को लेकर नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ये इनका 1.5 लीटर का ही इंजन है, लेकिन ये टर्बोचार्ज्ड है, और उससे मेन बात है कि इसमें प्रॉपर VTEC की ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग और वेरिएबल लिफ्ट कंट्रोल ऑप्शन मिलेगा, जो कि अपने में भाई बहुत ही अलग चीज़ है। इसी सेम साइज़ यानी कि होंडा सिटी का ही जो साइज़ है उसमें टर्बोचार्जर लगा के पावर यहाँ पर बन रही है 187 हॉर्स पावर, 240 NM का टॉर्क, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एयर फिल्टर के सारे ऑप्शन है, जो कि इस प्रकार इसके ही नीचे रखा गया यहाँ पर है। बाकी यहाँ से ये एयर इंटेक करता है कुछ, इसके लिए यहाँ पर एक डक्ट बनाई गई है, जिससे ज़्यादा गहरे पानी में भी इसको दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारा फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी के ऑप्शन दिए गए, और इंजन का लेआउट थोड़ा छोटा है, 187 हॉर्स पावर दिखने में काफ़ी बड़े इस इंजन के हिसाब से, और करीब 240 NM का टॉर्क अपने में बहुत लाजवाब कहा जाएगा। इस साइड प्रॉपर क्लैडिंग का यूज़ किया गया, जो कि कुछ इस प्रकार मिलने वाली है, और देख रहे लोगों को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस गाड़ी के ऊपर। वही खास बात है होंडा की, और होंडा को भी पता है कि भाई जो हमने डिज़ाइन करा है ना वो हर किसी को पसंद आने वाला है। उसके अलावा थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से कवरिंग का इस्तेमाल किया गया, जो कि मेटेलिक शील्ड आप देखने को मिलेगी, तो वो भी एक अच्छा प्रोटेक्शन है इस इंजन के हिसाब से। बाकी उसके अलावा कुछ यहाँ पर रेजोनेटर चैम्बर्स, इग्निशन कॉइल्स, और पीछे की ओर इसके जो फ्यूल इंजेक्टर है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी साथ ही साथ आप इंजन माउंटिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टाइप माउंटिंग मिलेगी, जो कि लॉन्ग रन में थोड़ा सा मेंटेनेंस आपसे ज़्यादा मांगेगी। ये दिक्कत आपको होंडा सिविक के साथ रह चुकी है कि इनकी लाइफ थोड़ी कम रहती है, और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उतनी जल्दी दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अगर मैनुअल गाड़ी है और ज़्यादा आप लगिंग करते हैं, ज़्यादा हैवी गियर में गाड़ी चलाते हैं, तो माउंटिंग बहुत जल्दी डैमेज होती है, तो वो एक मेन मुद्दा था। हाल फिलहाल में यहाँ पर अपडेट आके जो सिविक है उसमें भी दिक्कतें कम हुई थी, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोलिक माउंटिंग का ही इस्तेमाल कर रही है। टोयोटा भी अपने सेगमेंट में इसी चीज़ का करता है, लेकिन उसमें दिक्कत थोड़ी कम आती है। बाकी ये रहा फिर सारी इस गाड़ी का कहानी, और कहीं ना कहीं सस्पेंशन माउंटिंग और ये चीज़ें बिल्कुल अल्टीमेट लगने वाली है। पैनल गैप्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल शानदार लगेगी। कहीं ना कहीं गाड़ी का डिज़ाइन ही लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, और जो कलर ऑप्शन भी इसका नाम है
ब्लैक क्रिस्टल पॉल, वो भी अपने में एक अल्टीमेट चीज़ है। इंजन ऑप्शन और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर करी। अब आपको समझाते हैं गाड़ी का स्पेस, यूटिलिटी वो क्या दे रही है गाड़ी, और कहीं ना कहीं आपको जो एक थ्री रो वाला लेआउट इस गाड़ी के साथ मिल रहा है, जिसमें फ्रंट रो, सेकंड रो और लास्ट में थर्ड रो, वो सारी रोज किस तरीके के स्पेस, फंक्शन और वो चीज़ें देती है। बाकी गाड़ी ना साइज़ के हिसाब से बिल्कुल एक परफेक्ट साइज़ जो इंडिया में पॉसिबल हो सकता है उसके हिसाब से बनाया गया। बाकी इस साइड देखेंगे यहाँ पर भी जो सॉफ्ट टच है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ कुछ वुडन इंसर्ट्स है, कुछ पियानो फिनिश, कुछ यहाँ पर आपको लस्टर के साथ ब्रश्ड आउट मेटलिक फिनिश दी गई है, कुछ यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच। अब देखिए जो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं ना, वो भी होंडा की प्रैक्टिकलिटी को देख के बिल्कुल खुश हो रहे हैं, तो वो मुझे भी पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड रो में बैठा जा रहा है, सेकंड रो में बैठा जा रहा है, फर्स्ट रो में भी बैठा जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि स्लाइड करने का ऑप्शन ये दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल सा है, कहीं भी करिए इसको स्लाइड आगे पीछे, और इतना ज़्यादा इसको आगे स्लाइड करके पीछे एक बंदा बैठता है वो स्पेस बनता है। बाकी उसके अलावा ये सीटें इस प्रकार उड़ जाती है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये टंबल होने के ऑप्शन दे देगी। बाकी उसके अलावा पीछे की जो सीट है ना, ज़्यादा हाइट वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जो इंडिया में इनोवा हाई क्रॉस है वैसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। उसके अलावा हेडरूम इस प्रकार है, साइड में देखिए वहाँ पर एसी वेंट का जो सारा ऑप्शन है वो आपको वहाँ दिया गया है साइड में। बाकी जो यहाँ पर एसी वेंट है वो आपको इस साइड देखिए यहाँ पर ये वाला जो एसी वेंट है उसका यूज़ करके आप सेकंड रो में अपना एसी का आनंद ले पाएंगे। चढ़ना उतरना थोड़ा सा तो है इसमें, थर्ड रो और इससे निकलना और चढ़ना, बाकी बैठ के देखते हो एक बार। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले देखेंगे ये देखने वाले आप इसकी जो फ्रंट का डैशबोर्ड है किस प्रकार दिखने वाला है, ये सारे सीटिंग में किस प्रकार की पावर सीटिंग आती है उसके आनंद आगे लिया जा रहा है। और उसके अलावा जो सारा ट्विटर्स है यहाँ पर आप देखेंगे, स्पेयर का डिपार्टमेंट यहाँ है। बाकी गाड़ी में लेगरूम और इसकी कमी नहीं है, और सीटों को थोड़ा आगे पीछे करना चाहे तो ये ऑप्शन है, बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, वो अलग अलग ऑप्शन है। उसके अलावा ये जो सारा रिक्लाइन है वो भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, इतना कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप रिक्लाइन देखना चाहते हैं तो इतनी कुछ सीट यहाँ पर रिक्लाइन हो सकती है, और यहाँ से ही आगे भी आ जाएगी, और यहीं से इसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, और उसके साथ ही पीछे देखेंगे ग्लास का कुछ ऑप्शन दिया गया है। अब हम बैठ के दिखाते हैं आपको इसकी पीछे वाली सीट में, बाकी इस सीट को थोड़ा पीछे करके यहाँ से निकलते हैं बाहर। अब ये देख रहे हैं होंडा ने सारे के सारे जो इस गाड़ी की USP है यहाँ मेंशन करी है, ऑटोमेटिक कोलिजन डिटेक्शन, मतलब जो सारे ना होंडा सेंसिंग के फंक्शन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इसको देखिए यूज़ करेंगे तो इससे अच्छा रिक्लाइन ही होगा। ये गाड़ी में एक कमी है कि भाई इसमें टंबलिंग का ऑप्शन नहीं है, साथ ही साथ वो भाई को देखिए समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये ऐसे करके उड़ जाती है। तो यहाँ पर एक हिंज दिया गया है, तो ये अलग सा ऑप्शन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार इसकी जो थर्ड रो है उसमें बैठने की व्यवस्था बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप आ सकते हैं, तो ये है देखिए यहाँ पर आप आ गए इसके थर्ड रो, ये सारे ऑप्शन इसमें लिखे गए क्या सारा कुछ करना है। टोटल चार तरीके से इसकी सीटों को आप मॉडुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, सरप्राइजिंगली ये सीट होने को हमने बहुत आगे की हुई थी, मुझे थोड़ी खुशी होगी कि इतनी बढ़िया लेग रूम कैसे मिल गई। तो ये है अपना कुछ लेग रूम, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और ये सारी चीज़ें हैं कुछ सामान रखने के लिए, कुछ यहाँ पर एक ग्लास एरिया आप नोटिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ एसी वेंट पीछे का इस प्रकार रहने वाला है। ये है गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट का व्यू, साथ ही साथ देखिए मैं कह रहा था ना कि एयरबैग सिर्फ आगे ही दिए गए, सिर्फ बी पिलर में मेंशन नहीं किया गया एयरबैग के बारे में, लेकिन यहाँ पर देखिए सी पिलर में मेंशन है, डी पिलर में मेंशन है, तो टोटल यहाँ पर 7 एयरबैग्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि फैमिली के हिसाब से सही सेफ्टी इंश्योर करता है। कुछ यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स मिलेंगे, साथ ही साथ एसी वेंट, और गाड़ी का जो अपना लेग रूम है वो आप देखेंगे इस प्रकार है। बाकी अपना यहाँ पर हेडरूम शोल्डरूम देखे तो इस तरीके से पीछे दो लोगों के बैठने की स्पेस ठीक ठाक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सारे का सारा जो हेडरेस्ट का डिपार्टमेंट है इस प्रकार मिलता है, जो कि भैया फिक्स टाइप नहीं, बिल्कुल एडजस्टेबल है और प्रॉपर दिया गया। बाकी यहाँ पर प्रॉपर एक रूफ लाइनर है अच्छी पैडिंग के साथ, जिससे आपके सिर में ये क्लैडिंग ना लगे, और यही है फिर आपकी ऑनली होंडा CR-V इंडिया में। कहीं ना कहीं ये गाड़ी ऑन रोड जाते जाते 40 लाख का सेगमेंट टच करेगी, जो इंडिया में आपको XUV 720 लाख 22 लाख में दे रही है, ये गाड़ी वही सेम एक तरह से फील फैक्टर ज़्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ आपको दो गुना प्राइस में दे रही है। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये गाड़ी, और कहीं ना कहीं इसका जो हाइब्रिड मॉडल है जो कि 207 हॉर्स पावर बना सकता है, उसकी परफॉर्मेंस और उसका डिज़ाइन फ्रंट जानने के लिए उसकी वीडियो आपके सामने लाता हूँ, और उसका जो फ्यूल इकोनॉमी फिगर है वो भी इससे बेहतर है। बस उसमें कमी बस यही है कि इंडिया के हिसाब से थोड़ी आपको ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। टर्बो इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देख के बनाया गया, तो माइलेज आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा चलते सीधे बाहर, और ये वाली सीट को आप ऐसे कर लो तो ये बिल्कुल उठी जाती है। तो ये देखिए, तो ये ना अलग सा ही डिज़ाइन है थोड़ा सा, ये टंबल होने का ऑप्शन है क्योंकि बहुत बड़ा सा साइज़ है इसका। उसके अलावा यहाँ पर इतना अच्छा खासा लेग रूम बाहर निकलने के लिए, यहाँ पर भी देखिए ग्रैबिंग के लिए स्पेस दिया गया, तो ये भी एक अच्छी सी बात है होंडा की, एक आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर क्लैडिंग और इन सब चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए आप आ जाएंगे होंडा के पवेलियन में, जहाँ पर इनने अपनी बहुत ही बड़ी लाइनअप को दिखाया हुआ है।
अब जैसे जैसे अभी दिन निकल रहा है ना, यहाँ पर लोगों के आना चालू हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को अब बिल्कुल अच्छे से एक्सपीरियंस करनी है आपकी ऑल न्यू होंडा CR-V। और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ऑल न्यू होंडा CR-V, और जो इसका नाम है ना कंफर्टेबल रन अबाउट व्हीकल, वो तो है ही। इसके साथ सस्पेंशन फ्रंट होने को अब थोड़े से इसमें हार्ड हो गए पहले के मुकाबले, लेकिन जो एक परफॉर्मेंस है और जो कंट्रोलेबिलिटी और जो कॉर्नरिंग है वो बिल्कुल टॉप नॉच मिल जाती है। उसके अलावा जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी वीडियो आपके लिए अलग से बनाते हैं और आपको समझाते हैं गाड़ी अपने साथ क्या दे रही है। साथ ही साथ जो उसका RS अवतार है वो भी आपको समझाएंगे भाई RS में आके होंडा CR-V देती क्या है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या फंक्शन फीचर आप इसमें देख पाएंगे वो आपको अलग अलग वीडियोज़ के साथ समझाता हूँ। गाड़ी अच्छी से लगेगी, लोगों को एक्सपीरियंस करने देते तब तक। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर सीटिंग मिलने वाली है, क्लैटिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंशनिंग देखेंगे तो होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अच्छा हाँ, बाकी आज हम हैं इंडोनेशिया के अंदर, तो ये इंडोनेशिया मोटर शो में शो की गई है। कहने गई हम इंडियंस के लिए बहुत दूर है अभी ये गाड़ी, 8,000 किलोमीटर तो मैं ही आपसे दूर हूँ, लेकिन फिर भी ये गाड़ी को इंडिया आने में 1-2 साल लगने ही वाला है। कहने गई जब तक किया स्पोर्टाज फाइनली इंडिया में लॉन्च नहीं होती है, उनका भी कोई फाइनल प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी किया जैसे ब्रांड बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, हम इंडियंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती है फीचर फ्रंट में, और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी उनकी ठीक है। तो कहीं ना कहीं किया की तरफ से अगर कुछ इस सेगमेंट में आता हुआ दिखा, जहाँ पर सेल्टॉस से थोड़ा प्रीमियम बेस भी एक अच्छी सर्विसेज ले पाएगा, अच्छी गाड़ी उनको मिल पाए, तो आपको शायद यहाँ पर होंडा की तरफ से भी कुछ देखने को मिले, क्योंकि होंडा Tucson ऑलरेडी इस मार्केट में है। होने को उस गाड़ी की इतनी अच्छी सेल्स फिगर है नहीं, कहीं ना कहीं जो मार्केट है फिर वहाँ पर फॉर्च्यूनर और इनोवा हाई क्रॉस के पास जाती है, लेकिन ये गाड़ी में एक प्रॉपर 7-सीटर का ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी कड़ी चुनौती देने वाली इनोवा हाई क्रॉस को, जो फिलहाल आपकी Tucson अपने 5-सीटर अवतार से एक बड़ी क्रेटा का फील देते हुए नहीं दे पा रही है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा इस गाड़ी में क्या आपको पसंद आया, क्या इस गाड़ी में कमियाँ आपको फील हुई, और कहीं ना कहीं गाड़ी को रैंक कर दीजिएगा, और पसंद आए तो 10 out of 10, और पसंद नहीं आए तो 0 out of 10 दे देना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।